अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। बहुत बड़ा फैक्ट निकलकर सामने आया है दोनों बल्लेबाजों के हवाले से। शुएब मलिक एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हैं चाचू इफ्तिखार साहब। पहले शुएब मलिक ने एशिया कप के लिए अपना दरवाजा खोला, फिर इफ्तिखार ने शुएब मलिक का वही दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन फैक्ट बहुत बड़ा है, दोनों बल्लेबाज अपनी जगह पर बहुत ही लाजवाब हैं। लाजवाब इस वजह से है, जब पहला मैच खेला शुएब मलिक ने, शुएब मलिक मीरपुर रॉयल्स की क्यादत भी कर रहे हैं, शुएब मलिक ने 42 बालों के ऊपर 48 रन की इनिंग्स खेली। 42 बालों के ऊपर आप ना जाए, शुएब मलिक ने एंकर का रोल अदा किया। भाई साहब उनका यही रोल है कि दूसरों को खिलाते हैं, टीम को उस म्यार तक ले जाते हैं कि जब आपकी टीम जीत के करीब पहुंच जाती है तो आपके पास एक बेहतरीन फिनिशर होना चाहिए जो यानी कि इनिंग्स को खत्म करे, टीम को जीत दिलाए। तो शुएब मलिक का जो रोल है एंकर का, तो शुएब मलिक ने वो अदा किया और उनकी टीम मैच जीती। इसके अलावा दूसरी तरफ आ जाते हैं इफ्तिखार अहमद की तरफ, तो उन्होंने भी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, 8 बॉल के ऊपर 25 रन बना दिया और उनकी टीम मैच जीती। 50 का टारगेट था, आधे रन इफ्तिखार ने बना दिए 8 बॉल के ऊपर। तो इफ्तिखार का जो रोल है वो है फिनिशर का, शुएब मलिक का रोल है एंकर का। मिडिल ऑर्डर को बहुत ज्यादा सपोर्ट देते हैं शुएब मलिक को। तो शुएब मलिक और इफ्तिखार अहमद का कंपेयर लोग बहुत कर रहे हैं कि इफ्तिखार की जगह शुएब मलिक आ सकते हैं या शुएब मलिक आएंगे तो इफ्तिखार बाहर जाएंगे। तो अगर इस हिसाब से आप देखें तो इन दोनों का जो रोल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। दोनों हालांकि ऑफ स्पिन डालते हैं, राइट हैंडेड जो है डालते हैं। तो शुएब मलिक और इफ्तिखार का यहां पर अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो इन दोनों के साथ ज्यादा है, क्योंकि शुएब मलिक का जो रोल है और इफ्तिखार का जो रोल है बहुत फर्क है दोनों के रोल में, और आप ये अब समझ चुके होंगे। अगर आपको अपडेट चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।